नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज किसी स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करने के प्रयास करेंगे। कहती है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर इन्वेस्टर्स डिकोर। यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट्स पे ऐसा मेंशन किया गया है और कंपनी में इंग्लिश और रशिया का वर्ड यूज किया गया। मुझे नहीं पता क्यों आया, कैसे आया, क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। गेट्स द ऐप टूडे और ऐसी इनकी वेबसाइट्स पे ऐसा मेंशन किया गया है। कहते हैं एनहांसिंग सेव वर्टिकल ट्रेवल, कंपनी का नाम है, बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं ब्लेंडिंग लग्जरी एंड द सेफ्टी टुगेदर की बात कहती है और ये वर्टिकल ट्रेवल की बात कहती है। उस ट्रेवल में है क्या, यदि कोई कंपनी के बारे में समझना चाहे तो कंपनी कहती है कि हमारे पास 6000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मटेरियल्स प्रोवाइडेड ऑन द साइट है। यहाँ पे 6000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट उन्होंने मटेरियल सप्लाई किया है। डेली की बात कहा कि 30 प्लस इनके पास ऑर्डर है, हैप्पी कस्टमर 1500 हैं, वाइडेस्ट रेंज है इनकी। आवर प्रोडक्ट में क्या क्या आती है, कहते हैं एलिवेटर एलिवेटर्स के जो कि कैबिनेट्स आती है सेफ्टी को लेकर के, या COPs आती है, LOPs आती है, मशीन्स वगैरह आती है। इसके अलावा कहती है जो ऑटो डॉट सिस्टम्स आती है, ये सब चीज़ों में कंपनी का कारोबार रहा है और इन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे इस तरह की चीज़ों को मेंशन करके रखा है। चलिए हम लोग जानने की प्रयास करेंगे जहाँ पे एलिवेटर केबिन्स और ऑटो डोर्स और डिजाइनर सीट्स की बात उन्होंने मेंशन किया है। क्यों नहीं, कंपनी की स्टॉक मार्केट में यदि लिस्टेड है तो उनके जरा शेयर के बारे में थोड़ा हालचाल को समझते हैं और कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए। आखिर कंपनी में रिस्क का एंगल क्या कहते हैं, रिस्क की परसेंटेज क्या कहती है और उसके बेसिस पे मार्केट में रिटर्न कितना बना के देती है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट के। जहाँ पे बुक वैल्यू है 36 का, करंट मार्केट की सिचुएशन की प्राइस देखें तो 326 कहता है, जबकि हायर टू हायर फिलहाल उसी रेंज के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आई थी। अपनी नई रेजिस्टेंस क्रिएट किया है 335 के आसपास की। इंट्रिंसिक वैल्यू कहती है करीब 148 का। कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी यदि ये ठीक ठाक कहती है तो कहती है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट कितनी परसेंट हाइक है, 20% ज़्यादा भीड़ कहता है। किसका भीड़ है, निवेशकों का। किसके आंकड़ा से, इनकी क्वालिटी कहती है जो पर शेयर 6.89 रुपये की अर्निंग करती है, जिसकी वजह से मार्केट में 47.2x का भीड़ कहता है। अब आते हैं ROE और ROC का आंकड़ा काफ़ी बेटर रिजल्ट की बात कहती है, साथ में डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी 0.31% का आंकड़ा दिया जाता है, 31% के। प्रमोटर्स होल्डिंग 73% के आसपास, मार्केट कैप काफ़ी छोटा सा है लेकिन तब भी 341 करोड़ का नंबर दिखाता है, जबकि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.90 कहता है और करंट रेशियो का नंबर 1.21 कहता है। नंबर ऑफ शेयर 1,05,00,000 कहती है और इन सब के पीछे हमने कुछ स्पेशल प्रोविजन लिया है जिससे हमारे सामने कुछ क्लैरिटी ये आएगी। तो कंपनी का केवल हम लोग क्या चेक करते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स का ग्रोथ रेट, केवल यही देखना चाहिए या कुछ और भी देखना चाहिए। हमारी समझ में आती है यदि कंपनी ने सेल किया है तो सेल के अंदर उधार कितना था, उधार वाले नंबर दे कितने दिन में पैसे देते हैं और उसमें रिस्क का परसेंटेज कितना कहता है, इनको देखना चाहिए। और यदि ये कहता है तो इसके अलावा मुझे लगता है कि नेट इनकम मार्जिन देखना चाहिए, जहाँ पे अदर सोर्स ऑफ इनकम को जरा इंक्लूड कर दिया जाए तो समझ। इसीलिए हमने यहाँ पे 3 अलग कॉलम्स लिया है उसको समझने के लेकर के, जहाँ पर नेट इनकम मार्जिन, डेटर्स वर्सेस सेल्स वर्सेस डेटर्स रेशियोज और नेट प्रॉफिट वर्सेस डेटर्स रेशियो को हमने अवलोकन करेंगे। कंपनी 2013 में बनी थी आरोन इंडस्ट्रीज, जो कि मैन्युफैक्चर एलिवेटर्स एंड एलिवेटर्स जो कि पार्ट्स हैं उसमें स्टेनलेस स्टील का कामकाज करती है और इसकी अलग अलग प्लेट पे कंपनी का कामकाज रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा हम और डीपली की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्क को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कंपनी में रिस्क कितनी परसेंट की है, स्टॉक को लेकर के चाहो चाहे इनकी बिजनेस को इम्पैक्ट। फिलहाल जब आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में दिखता है कि इसमें जब चलती है तो 20% के आसपास चलती है, तो 20% से चलती है और जब गिरती है तो भी 20% के आसपास गिरती है।
आज ये स्टॉक 20% चला, ठीक है, क्या उम्मीद लगता है कल ये 20% गिरेगा? नहीं, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसके पीछे कुछ वजह को जानेंगे और क्या आंकड़ा कहती है उसको जरा डिटेल्ड करने की। जहां तक इन कंपनी का सितंबर तक का रिजल्ट का सवाल है, तो कंपनी का जो रिजल्ट आया वो काफी बेटर रहा फ्रॉम द लास्ट पीरियड, जो कि 30% तक की आंकड़ा को कहती है, और लास्ट पिछले क्यू और क्यू का डेटा भी इनका बेटर कहती है। ईयरली ग्रोथ लगातार सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ वृद्धि दर्ज करती हुई नजर आती है, चाहे हम दोनों तरफ की ग्राफ को क्रिएट करके देखें तो हमारे सामने ये पॉइंट दिखती है। यदि हम नंबरों की खेल को समझें तो हमारे सामने ये दिखता है जो तो कंपनी में जो तो टर्नओवर रहा वो कितना रहा, केवल 18 करोड़ के आसपास थी, क्योंकि पहले भी कंपनी 19 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स क्रिएट कर चुकी है, जिसको सेकेंड टर्म कह सकते हैं, जो हाँ यहाँ पे इन्होंने अच्छे से सेल्स किया। ऑपरेटिंग को लेकर के तो भी कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत बेटर नहीं किया, क्योंकि 19% तक इन्होंने क्रिएट किया था, पूरा 17-17% पे आके अटकी है। प्रॉफिटेबिलिटी की आंकड़ा को भी अभी टॉप नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने उसके अकॉर्डिंग कम ही मापा है, क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी बेटर नहीं है। इंटरेस्ट की बर्डन थोड़ा सा इनको दबाव बनाती है, भले ही लाखों में ही हो। ईयरली ग्रोथ की तरफ मूव करें तो समझ में आती है जो कंपनी का जो टर्नओवर था वो लगातार बढ़ी है, चाहे 3 से 4, 4 से 11, 17, 21, 24, 37, 55, 63 और 70 के आसपास की, जबकि उसी आकार से प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती नजर आई है, वो कभी 7 करोड़ 22 लाख तक पहुंची। इन दोनों को यदि आपस में हम लोग कंपेयर करके परसेंटेज निकालें, जिसमें कि हमने अदर सोर्स ऑफ इनकम को क्या किया है, इंक्लूड किया है, तो समझ में आती है जो कंपनी का होली ऑन जो अदर सोर्स ऑफ इनकम के टोटल कितना परसेंटेज की बात करती है, नेट इनकम मार्जिन 10% का आंकड़ा दिलाती है। अब आते हैं नियर अबाउट की बात, अब हम रिस्क फैक्टर को जरा एनालाइज करते हैं। रिस्क फैक्टर के बारे में कहती है कुछ भी रिस्क नहीं है, रिस्क बिल्कुल नहीं है, 1 महीने की टाइम फ्रेम कहती है, जो कि बेटर क्या। वही आंकड़ा यदि हम बैलेंस शीट की फिगर को देखें, हमारे सामने दिखता है कि इन्होंने कर्ज तो लिया था, इस कर्ज का यूटिलाइजेशन क्या, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में कोई डेवलपमेंट नहीं था, वर्क इन प्रोग्रेस में पैसे लगा के रखे हैं, और अदर पार्ट्स में भी इनके पास कुछ पैसे अटके हैं, जिसमें कि कैश भी अच्छा अच्छा खासा है और डिसेबल भी करीब 2-4 करोड़ के आसपास की दर्शाते हैं। इन्वेंट्रीज के मामले में कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है, जो इन्वेंट्रीज कई बार कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी बना देती है, उसको भी थोड़ा सा अवलोकन देखना चाहिए। चलिए इनके उन पहलुओं की तरफ हमने मूव किया तो हमारे सामने कुछ कंक्लूजन ये आया, कंपनी नेट इनकम मार्जिन 10%, सेल्स वर्सेस डेटर इनके पास 6%, और डेटर्स जो कि डेटर प्रॉफिट वर्सेस डेटर की आंकड़ा करेंगे तो 58% की बात उन्होंने रखी, जो कि इसके अकॉर्डिंगली फंडामेंटली कहती है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है जो इसके फिगर के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ और फिगर को भी समझने की कोशिश कर, जिसमें पहला फिगर होगा जो क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ रेट क्या था, वहां पे देखा गया कि सेल्स लगातार बढ़ोतरी कर रही थी, प्रॉफिट भी सस्टेन कर रही है, स्टॉक प्राइस में पिछले कुछ एक सालों से दिक्कत देती नजर आती है, जबकि निकोटीन को बैकअप के लिए तैयार बैठी है। तो निवेशकों का इंटरेस्ट क्या है, तो निवेशकों के इंटरेस्ट में ये देखा गया कि कंपनी में बहुत ज्यादा अभी मार्केट कैप ना होने के बाद भी, आज की टाइम की बात करूं, मार्केट कैप ज्यादा ना होने के बाद भी अभी तक ऑपरेटर का गेम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक कोई बल्क डील या इस तरह के सेंटिमेंट नहीं बने हैं, जो हैं वो करीब 11,000 के आसपास के निवेशक थे, वो जो कि लगातार उसी रेंज में पिछले 2-1 साल से बने हुए नजर आए हैं, जहां प्रमोटर अपनी पोजिशन में लगातार बरकरार रखी है। डीआई की बात थोड़ा सा डीआई ने यहाँ पे कह सकते हैं कि डीआई की इस टाइम फ्रेम में की पोजिशन बना है करीब 0.5% के आसपास। कौन से ऐसे डीआई हैं इसकी
बात भी करें तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। पब्लिक होल्डिंग में देखा गया कि करीब एक ही लोग हैं, बाकी आम निवेशकों के पास है करीब 11,500 आम निवेशक है इस कंपनी में, जिनके पास थोड़ा बहुत करके होल्डिंग होगी। और इसके अलावा और कुछ चर्चा करें तो हमारे सामने ये दिखता है कि इनका अक्टूबर में शायद रिजल्ट आया था, उसका उन्होंने पीपीटी शामिल किया था। पीपीटी का जरा हम खोल के एक बार एक नज़र डालें, कुछ समझ में आएगी तो हम कुछ इसको कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे देखा गया अपनी कंपनी अपनी कहती है कि हमारा एस्टेब्लिश 2013 में हुआ था, हमारे पास 201 एम्प्लॉय हैं, 6,000 ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है, 1,500 ज़्यादा कस्टमर हैं, 30+ ऑर्डर इनके पास डेली आता है, करीब 271+ मार्केट कैप की बात करती है, 52 वीक हो और लो की बात उन्होंने, मुझे लगता है इसको दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टूट लगातार चेंज होती रहती है, तो उसको कुछ बड़ी। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि हमारे पास क्या है, ये कहती है ट्रस्ट लाइक टाटा, इन्होंने अपने आप को टाटा से कंपेयर किया, कहते हैं पिलर्स की बात इन्होंने कहता है कि शेयर होल्डर कस्टमर सप्लायर एंड द एम्प्लॉय ऑफ द अरोंस वुड बी द हैविंग द सेम फेथ इन अरोन एज टाटा। टाटा के साथ कंपेयर करने का क्या मतलब है, टाटा की कुछ ट्रस्ट इसमें है, टाटा कोई इन्वॉल्वमेंट है या टाटा का कुछ नाम यूज कर रही है। इसके अलावा कहते हैं जो बिल्डिंग्स नेशन फर्स्ट की बात उन्होंने कहा था, वेल्थ क्रिएशन है द लाइक इधर इंफोसिस, अपने आप को अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों को लेकर के कंपेयर किया था। हम इंफोसिस की तरफ से वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, एलएनटी के साइड मैनेजमेंट हमारा एलएनटी के जैसा है, कहते हैं जो वुड बी द नोन एज द फैमिलीज कंपनी एंड हैज द राइट पर द वुड बी सिलेक्टेड एज द एलएनटी के साथ उन्होंने मैनेजमेंट को कंपेयर कर दिया। ऐसा कंपेयर करना शायद अलाउ है या नहीं है ये तो शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि अपने आप को उस सेगमेंट वाइज छोड़ के किसी दूसरे कंपनी से बड़ी दिग्गज का नाम लेके आपने जिक्र कर दिया हम इससे कंपेयर हैं, मतलब मार्केट को ऐसा लगता है कि मार्केट कुछ आप पेने कुछ पेनिक करने के लिए या मार्केट को सेंटिमेंटल बनाने के लिए आपने टाटा इंफोसिस और इनका एलएनटी जैसे बड़ी कंपनी का आपने जिक्र कर दिया। बाकी मैंने किसी कंपनी में ऐसा देखा तो नहीं जो मैंने उससे, हाँ कुछ कंपनी में कंपेयर के लिए खास कर देखा जाता है, लेकिन उसमें यहाँ पे देखा गया कि वाई ओ आई का इन्होंने डेटा शामिल किया, जहाँ पे इन्होंने वाई ओ आई बेसिस पे ग्रोथ की बात कहती है, H1 के बेसिस पे डेटा की बात करते हैं, Q1 की बेसिस पे डेटा की बात रखी है, जहाँ पे लगातार कई बार कुछ अच्छी चीज़ें कुछ अच्छी चीज़ें नहीं भी सामने दर्शाती नज़र आती है। तो इसको डीपली में जा करके देखा जाता है, ग्राफ इन्होंने अच्छी खासी पीपीटी तैयार करके रखा है इनकी। यदि हम क्लाइंट की बात करें तो आवाज़ हैं टेक्नो इंडस्ट्रीज की बात, आइनॉक्स एलिवेटर्स की बात करूँ, स्काईलिंक की बात करूँ, आर्टोरो इंडस्ट्रीज हैं जो कि लोगोज जैसे कंपनी इनके पास करती है, हमारे पास गया है क्लाइंट की लिस्ट में शामिल है। जबकि एनालिसिस की पार्ट और पीएस में कहता है कि इनका थर्मेक्स ज्योति सीएनसीज जुपिटर वैगन्स जैसे कंपनी से शामिल किया जा सकता है, और कंपेयर टू द नियर अबाउट सेम ही भीड़ इंटरेस्ट है निवेशकों को लेकर के। अच्छी बात है जो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी है, अच्छी खासी रिटर्न देती है, डिविडेंड की पे आउट लगातार बेटर है कंपेयर टू द, जबकि कैपिटलाइजेशन वैल्यू को लेकर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और बुक वैल्यू को लेकर कोई बड़ी बात नहीं कहता। देखिए इनमें लगातार क्या थी, कई बार चलती है तो चलती है, गिरती है तो गिरती है, फिलहाल यहाँ बल्क दिल तो देखने को नजर नहीं आया जो इस तरह से चार्टिंग ग्राफ क्रिएट करती नजर आई थी। मिलेंगे गोल्डन रूल कहता है मार्केट को लेकर के, जब भी एंटर करते हैं तो उसमें सबसे पहले ट्रेंडिंग रिकवरी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को पकड़ना चाहिए, और उससे पहले दो तरह की लाइन आइटम है, एक तो हम शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, दोनों का आपको एक्सपेक्टेशंस और परसेंटेज ऑफ टर्म को देख करके डिसीजन करते रहना चाहिए, जिसको गोल्डन रूल कहते हैं, और प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहना चाहिए, मार्केट है और मार्केट में प्रॉफिट बुक करने से ही पैसे हमारे पास भी पॉकेट में आते हैं, अदरवाइज एक के बदले दूसरे पोर्टफोलियो में कन्वर्ट होने में कभी भी टाइम नहीं लगता है, देखते देखते मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ न्यू कंपनी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर, ये अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।